वेलकम स्टूडेंट्स टू बुकवॉर्म्स ऑफ एसएससी। मैं आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब के चैनल बुकवॉर्म्स ऑफ एसएससी में, जिसमें हम आज पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा और हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करते रहेंगे आपके एग्ज़ाम्स के लिए। सो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज है बुकवॉर्म्स ऑफ एसएससी, वहाँ पर भी उसे लाइक करें ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस भी की अपडेट आपको मिलती रहे। सो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का वीडियो, और आज का हमारा वीडियो है पॉलिटिकल साइंस के ऊपर। स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉलिटी से हर एग्ज़ाम्स में 3 से 4 क्वेश्चन कंपलसरी ही आते हैं, और चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या एमटीएस हो, या फिर कोई और गवर्नमेंट सेक्टर का एग्जामिनेशन, चाहे एनडीए, यूपीएससी एंड पीसीएस एंड स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन, या फिर स्टेट कंपटीशन एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट सर्विस एग्जामिनेशन, हर एक एग्ज़ाम के अंदर पॉलिटिकल साइंस एक इम्पोर्टेंट वेटेज रखता है एग्ज़ाम्स में। सो स्टूडेंट्स, आज हम इसी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट्स करें ताकि हम इसके आगे के और वीडियोस बनाएं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर स्टार्टिंग। सो स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। सो स्टूडेंट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था वो किया था 26 नवंबर 1949 को। कई स्टूडेंट्स को इस चीज़ में काफ़ी दिक्कत होती है कि इंडिया ने कब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था एंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। तो मैं आपके इस डाउट को क्लियर करता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो था 26 नवंबर 1949 को। बट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया है वो है 26 जनवरी 1950। सो स्टूडेंट्स, इस चीज़ में कभी कंफ्यूज मत होइएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, सो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने बताया कि 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ने अडॉप्ट किया था, और ये इफेक्ट में भी उसी दिन से हुआ था जो कि थी 26 जनवरी 1950, जिसे हम अपने रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। और इस बार के रिपब्लिक डे पे जो चीफ गेस्ट थे वो दुबई के थे। सो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द प्लान टू ट्रांसफ़र ऑफ पावर टू द इंडियन एंड पार्टीशन ऑफ कंट्री वॉज लेट डाउन इन। सो स्टूडेंट्स, ब्रिटिशर्स द्वारा पावर को ट्रांसफ़र किया गया था इंडियंस को, और पार्टीशन ऑफ द कंट्री किस प्लान के तहत हुआ था, ये था द माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन हमारे देश के लास्ट गवर्नर जनरल थे जो कि एक ब्रिटिशर थे। इसके बाद जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल बने थे वो थे सी राजा गोपालाचारी। सो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा जो लास्ट गवर्नर जनरल थे वो थे माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन नाम था इनका पूरा। और जो पहले और आखिरी इंडियन गवर्नर जनरल थे वो थे सी राजागोपालाचारी। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन ये एग्जाम्स में। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्ट डिवाइडेड लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस। सो सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये किस एक्ट के थ्रू होता है, ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था और इसी के तहत हमारे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नाउ हाउ मच टाइम इट टुक फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन। कितना समय लगा था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनलाइज करने में, ये था 2 years 11 months and 18 days। रिमेंबर स्टूडेंट, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द क्वालिटी बिफोर लॉ। किस आर्टिकल में बताया गया है कि लॉ
सबके लिए बराबर है और इक्वल है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, वो है आर्टिकल नंबर 14। नाउ स्टूडेंट्स, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? सो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बताया गया है आर्टिकल नंबर 17 के अंदर, जिसके अंदर छुआछूत और इन सब चीज़ों को रोकने के बारे में बताया गया है कि इंडिया में सभी एक बराबर हैं और किसी को भी अनटचेबिलिटी का शिकार नहीं होने दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। विच आर्टिकल इज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस? सो ये है हमारा आर्टिकल नंबर 22। विच आर्टिकल इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज? सो माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से आर्टिकल में बताया गया है? सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये था 29th आर्टिकल, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज के बारे में बताया गया है। आफ्टर दैट विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड? ये बहुत ही ये बाद में ऐड हुआ था, जिसके अंदर फ्री लीगल एड दी जाएगी हर एक प्रिजनर को, और ये है आर्टिकल नंबर 39A। और स्टूडेंट्स 44th नंबर आर्टिकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर बताया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन, सबके लिए जो कानून है वो बराबर है, चाहे वो एक गरीब आदमी हो या अमीर, सबके लिए एक ही सिविल कोड है। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम पावर ऑफ द लैंड, इट इज प्रोटेक्टेड बाय? कॉन्स्टिट्यूशन को कौन प्रोटेक्ट करता है? तो स्टूडेंट्स हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि सबसे ऊपर मानी जाती है, जिसके डिसीजन की रिस्पेक्ट को सबको करनी पड़ती है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का काम भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करता है, जिसमें टोटल 31 जजेस हैं इस वक्त, एक चीफ जस्टिस है और बाकी 30 जजेस हैं, और इसके अलग अलग पैनल्स भी बनते हैं जिसको बेंच एंड डेस्क बोला जाता है, जिसके अंदर अलग अलग नंबर ऑफ जजेस होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग इसको कैटेगराइज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन को गार्ड करने का काम सुप्रीम कोर्ट करती है। द स्पीकर कैन आस्क अ मेंबर ऑफ अ हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट अनदर मेंबर्स स्पीक, दिस इज नोन एज? सो इसे कहते हैं एल्डिंग द फ्लोर। वो किसी जो स्पीकर होता है लोकसभा या राज्यसभा का, वो किसी भी हाउस मेंबर ऑफ हाउस को रोक सकता है और किसी दूसरे मेंबर को बोलने के लिए कह सकता है, इसे कहते हैं एल्डिंग द फ्लोर। नागालैंड वॉज क्रिएटेड एज अ सेपरेट स्टेट इन ईयर? सो स्टूडेंट्स नागालैंड एक सेपरेट स्टेट बनाया गया 1963 में। नागालैंड 16th स्टेट बना था 1963 के अंदर, और ये इसके बाद हुआ था पंजाब, पंजाब वॉज डिवाइडेड इंटू पंजाब एंड हरियाणा इन ईयर 1966, और इसका काफ़ी हिस्सा हरियाणा और पंजाब में डिवाइड कर दिया गया था, पंजाब पहले काफ़ी बड़ा था। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अपॉइंटेड कैग, कॉम्प्टर एंड ऑडिटर जनरल? सो कैग को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और कैग का जो कार्यकाल होता है वो 6 ईयर्स का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैग इसकी एक पोस्ट भी आई है अभी रिसेंटली ऑडिटर की सीजीएल के अंदर, जिसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज निकली थी इस बार, और कैग जो अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करता है वो प्रेसिडेंट को करता है। अ सुप्रीम कोर्ट जज मस्ट हैव बीन अ हाई कोर्ट जज फॉर एट लीस्ट, जो सुप्रीम कोर्ट जज है कम से कम हाई कोर्ट जज कितने सालों तक रहना चाहिए? तो अ सुप्रीम कोर्ट जज मस्ट हैव बीन हाई कोर्ट जज फॉर एट लीस्ट 5 ईयर्स। अगर उसने 5 साल से कम हाई कोर्ट में जजमेंट की है तो वो एक सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन सकता है, एंड उसे
लॉयर के रूप में प्रैक्टिस कम से कम 10 ईयर्स की करनी होती है, ये भी इसकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होता है सुप्रीम कोर्ट के जज की। व्हाट वाज़ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? सो जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, उसमें टोटल मेंबर कितने थे? तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर टोटल 7 मेंबर्स थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और इन्हीं की अध्यक्षता में ये ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ था, और ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क तैयार किया था। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हमारे फेसबुक चैनल को भी लाइक करिए ताकि हम और इसके नए नए पार्ट्स बना सकें। हम कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बायो के भी कुछ नए पार्ट्स बनाएं और जल्दी आपको अवेलेबल कराएं। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। सो गुड बाय एंड गुड लक।